हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को BML BS 60 टन डंपर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये है फ्रंट प्रोफाइल BML BS 60 टन डंपर का। इसके सामने में आपको लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में दो हेडलाइट मिलते हैं, एक एक फॉग लाइट है, टर्न इंडिकेटर है, सामने में ये स्टॉपर है और ये बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल है। और रेडिएटर का कैपेसिटी है 190 लीटर्स। और ये लैडर है ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पे स्विचेस है, यहाँ से आप इंजन को बंद भी कर सकते हो, बैटरी का पावर भी कट सकते हो। और ये है लैडर लाइट, जिससे कि ये यहीं से ही लैडर लाइट ऑन हो जाता है। अभी ये डंपर के साइड प्रोफाइल में देखते हैं। साइड प्रोफाइल में ये रियर और फ्रंट टायर का साइज सेम ही है, 24x35। और ये डीजल टैंक है, इसका कैपेसिटी है 790 लीटर। और ये है हॉइट सिलेंडर। और ये जो डंपर है, इसके अंदर में कमिंस इंजन है। ये कमिंस इंजन 4-stroke 6-cylinder इनलाइन डीजल इंजन है। और इसमें दो टर्बो चार्जर रहते हैं। और ये है फ्रंट सस्पेंशन, आपको दिख रहा होगा, ये फ्रंट सस्पेंशन है। और ये है स्टेयरिंग सिलेंडर, और वो है टायर रॉड, ठीक है। और ये है इंजन गार्ड। तो सामने की तरफ ये तीन सिलेंडर है, ये अंदर में तीन सिलेंडर है, एक है ब्रेक प्रेशर के लिए है, फ्रंट रियर ब्रेक के लिए है, और एक स्टेयरिंग के लिए है। और ये साइड में देखते हैं, ये साइड में आप लोगों को हाइड्रोलिक टैंक दिखेगा। ये हाइड्रोलिक टैंक का कैपेसिटी है 360 लीटर। और ये है दूसरे साइड का हॉइस्ट सिलेंडर, जिससे कि ये डंप बॉडी अप होता है। और इसमें ऐसे 30 हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है। और पीछे से देखते हैं, पीछे में ये दोनों रियर सस्पेंशन हैं, ये दोनों, ये रियर और फ्रंट दोनों सस्पेंशन हाइड्रोनीमोटिकली ही ऑपरेट होते हैं। और ये पीछे में स्टॉप लाइट है, ये वाला स्टॉप लाइट है, ये इंडिकेटर लाइट्स है, ये रिवर्स बैक अलार्म है, ये रिवर्स कैमरा है, ये रिवर्स प्रॉक्सिमिटी डिवाइस है, और ये है डिफरेंशियल। और दोनों साइड में ये फाइनल ड्राइव है, और दो पीछे के लिए लाइट्स दिए हैं, रिवर्स हेडलाइट है। अभी चलते हैं दोस्तों कैबिन के अंदर में। दोस्तों, ये है डंपर का कैबिन, आप देख सकते हो। यहाँ पे है कैबिन फैन, और ये है कैबिन लाइट। और इसके लिए ये यहाँ पे स्विच दिया है कैबिन फैन के लिए, और रूफ लैम्प के लिए है, बेसिकली वो कैबिन लैम्प ही है। और ये है एसी वेंट्स, ये है फटिक सेंसर, और ये है प्रॉक्सिमिटी डिवाइस, और ये रिवर्स कैमरा के लिए है डिस्प्ले, और ये है ऑटो हेडलाइट डीमर कंट्रोल यूनिट, पेलोड सिस्टम है, और ये बजर इंडिकेटर है, और ये पार्किंग ब्रेक स्विच है, यहाँ पे डम ब्रेक के लिए स्विच दिया है, लैडर लाइट के लिए है, गेज लैम्प के लिए है, और ये है इंजन स्टॉप स्विच। और ये है इसका मर्फी डिस्प्ले, जिसमें कि डिजिटली सब गेजेस शो करता है, और जो भी पार्किंग ब्रेक है, शिफ्ट इंडिकेटर, सीट बेल्ट इंडिकेटर वाले सब, जो भी मतलब सेफ्टी रिलेटेड जो भी इंडिकेट्स जो करना है वो सब इसी में दिखाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग स्विचेस है, एक वो वाइपर के लिए है, वॉशर के लिए है, फॉग लाइट के लिए है, हेडलाइट के लिए, और हजार लाइट्स के लिए है। और ये है की स्विच, और एमीटर गेज, और ये है स्टेयरिंग, यहाँ से आप स्टेयरिंग को एडजस्ट भी कर सकते हो। और ये है हॉर्न के लिए स्विच है, यहाँ से भी आप हॉर्न दबा सकते हो। और ये है हेडलाइट अपर डिपर करने के लिए। और ये है यहाँ पे गियर शिफ्ट करने के लिए लीवर है, पर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो आप इसमें डी मोड में भी चला सकते हो। और ये है कोऑपरेटर सीट, और पीछे में है इसका एसी सिस्टम, जो कि रेड डॉट का है।
और गाइस यहाँ पे नीचे में है एक्सेलेटर पैडल, ये है सर्विस ब्रेक पैडल और ये है रिटार्डर ब्रेक। और यहाँ पे है गाइस ये बॉडी, उसका डम्ब बॉडी अप और डाउन करने के लिए लीवर है और ये ओवरराइड के लिए स्विच है। और ये है इसमें पावर विंडो, आप इससे स्विच से विंडो को अप डाउन कर सकते हो। ये है मिरर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी दिया है। तो गाइस बाहर जाके देखते और क्या है। तो बाहर में ये है फायर सेफ्टी के लिए दो सिलेंडर दिए हैं, ये है एयर क्लीनर असेंबली और वो है लिंकन का ग्रीस पंप और ये है बैटरी बॉक्स। ये इसमें दो बैटरी लगती है 12 वोल्टेज का, दोनों सीरीज में होता है। और वहाँ पे है ब्लाइंड स्पॉट मिरर और ये है सेफ्टी रेलिंग्स। तो गाइस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।